अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पराठा रोल। बेसिकली हम करेंगे क्या, हम पराठा बनाएंगे, उसके अंदर चिकन की बोटियों की फिलिंग करेंगे। तो चिकन की बोटियां जो है उसको हम मैरिनेट करके पहले रखेंगे, फिर पराठा बनाएंगे, उसके बाद सॉस बनाएंगे और फिर लास्ट में उनको असेंबल करेंगे। सबसे पहले जो आपको करना होगा वो ये है कि आपको लेना है 2 कप मैदा। मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लेके उसे गूंद के रख लिया है। इसमें मैंने ऐड किया था 1 टीस्पून सॉल्ट और 2 टेबलस्पून ऑयल, दैट्स इट। तो मैदे को गूंद के आप रख दें। अभी ये रेस्टिंग पीरियड में है, जब तक ये रेस्ट कर रहा है हम बनाते हैं चिकन। चिकन की मैरिनेशन जो है उसके लिए हमें जो चीजें चाहिए वो ये हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 पाउंड के करीब चिकन ब्रेस्ट है, बोनलेस स्किनलेस। इसके मैंने क्यूब्स की है, बाइट साइज पीसेस। आपको चिकन ब्रेस्ट लेना है या चिकन थाई लेनी है, दैट्स अप टू यू। चिकन थाई इज मोर जूसी, आई प्रेफर चिकन थाई फॉर दिस रेसिपी, बट मेरे पास नहीं थी तो मैंने आज चिकन ब्रेस्ट यूज किया है। पीसेस जो है वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से बना लें। इफ यू वांट बिगर पीसेस यू कैन मेक बिगर चंक्स, आई पर्सनली प्रेफर स्मॉल साइज पीसेस, दैट्स व्हाई मैंने इसके छोटे पीसेस किए हुए हैं। इसके बाद हमने यहाँ लिया है 3 टेबलस्पून योगर्ट, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, ये स्पाइसी नहीं है, सिर्फ कलर देगी। स्पाइसी चाहिए आपको तो आप रेगुलर रेड पेपर डालें इसमें। फिर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून ऑफ व्हाइट पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है सॉल्ट, लेमन जूस मैंने लिया है 1 टेबलस्पून, क्यूमिन पाउडर है मेरे पास 1 टीस्पून, और लास्टली जिंजर गार्लिक का पेस्ट ये लिया है 1 टीस्पून के करीब। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी चिकन को मैरिनेट करना है। इस चिकन में हम ये सारे मसाले डाल देंगे। इन सब चीजों को डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये सारी चीजें मिक्स हो गई हैं, दैट्स इट। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इसको हम साइड पे रख देंगे, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसको मैरिनेट होने देंगे जब तक हम अपने बाकी स्टेप्स करते हैं, जब तक वो चिकन मैरिनेट हो जाएगा। जब तक हमारा तवा गर्म हो रहा है पराठे बनाने के लिए, हम सॉसेस तैयार कर लेते हैं। सॉस जो है मैं अपने पराठा रोल में 3 टाइप के डालूंगी। फर्स्ट वाला होगा टैमरिंड सॉस, और टैमरिंड सॉस ऑलरेडी मैं बनाना आपको सिखा चुकी हूँ, उसकी रेसिपी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से चेक कर लीजिएगा। टैमरिंड सॉस के अलावा उसमें हम डालेंगे ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। थर्ड जो हम उसमें सॉस डालेंगे वो है गार्लिक मेयो। गार्लिक मेयो जो है वो हम अभी फटाफट बना लेते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ गार्लिक मेयो में क्या चीजें चाहिए होंगी। गार्लिक मेयो बनाने के लिए मैंने लिए है 4 टेबलस्पून योगर्ट, फिर मैंने लिया है सॉल्ट, ये है 1/2 टीस्पून, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने लिया है गार्लिक पाउडर, ये भी 1/2 टीस्पून है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अनियन पाउडर 1/2 टीस्पून, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। विनेगर 1 टेबलस्पून, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और लास्ट में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मेयोनेज के। फिर इसको हम मिला लेंगे। और ये देखें, ये हमारा गार्लिक मेयो जो है ये रेडी है। अब हम इसको रख देंगे साइड पे और अब शुरू करते हैं अपने पराठे बनाना। जो हमने मैदा गूंद के रखा था वो लेंगे, उसके हम छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। और आपको चाहिए लूज आटा या लूज मैदा, आप एक प्लेट में साइड पे करके रखें। एंड बनाने के वक्त हम जब फ्राई करेंगे पराठे को तो हमें ऑयल चाहिए होगा। ऑयल यूज करें या घी यूज करें, मैं मार्जरीन यूज करती हूँ तो मैं मार्जरीन आज यूज करूंगी। और जैसे हम बनाते जाएंगे हम उसे प्लेट में रखते जाएंगे। सबसे पहले मैंने अपने हाथ जो हैं वो गीले कर लिए हैं, और इसी जो हमने डो बनाया था उसमें से मैं इक्वल साइज के बॉल्स बना लूंगी। 6 पेड़े मैंने बना लिए हैं, अब हम शुरू करते हैं इसको बेलना। आप लूज आटा या मैदा जो है उसे लेके इसमें कोट करें ताकि ये हो कि आपका
जो मैदा गूंदा हुआ है वो स्टिक ना हो। हम इसको वैसे ही करेंगे जैसे हम रोटी बनाते हैं। रोटी कैसे बनाते हैं वो ट्यूटोरियल मैं आपको दे चुकी हूँ, उसका भी लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो भी देख लीजिएगा, उसमें मैंने रोटी बनाना सिखाया था। सेम उसी तरीके से हमें इसे भी बेलना है। पराठा बना रहे हैं इसलिए थोड़ा थिक होगा, रोटी थोड़ी पतली होती है। इस तरह हम इसे बेल लेंगे। ये देखें फर्स्ट पराठा हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है, हमने इसको बेल लिया है, अच्छा साइज का कर दिया है। अब ये रेडी है तवे पे जाने के लिए। तवा हमारा रेडी है, इसपे हम डालेंगे पराठा। मैं इसपे यूज करूंगी मार्जरीन। तवा मैंने इस वक्त बिल्कुल मीडियम और लो के बीच में रखा है, ज्यादा मैंने तेज नहीं किया है। इसी तरह हम पराठे बनाते जाएंगे जब तक के एक अच्छा सा ऊपर गोल्डन कलर आ जाएगा, फिर हम इसे निकाल देंगे। आप देखें इस वक्त ये सारे फूल रहे हैं, बबल्स से बन रहे हैं इसके ऊपर। ज्यादा ओवर कुक करेंगे तो आपका पराठा क्रिस्पी हो जाएगा और फिर क्रिस्पी जो है पराठा वो रोल बनाने में बहुत मुश्किल होगा, ब्रेक होगा, वो टूट जाएगा। तो सॉफ्ट पराठे होंगे तो रोल अच्छे बनेंगे। ये देखें पराठा हमारा बिल्कुल रेडी है, अच्छा इस पे गोल्डन कलर आ गया है। और ये इसको अब हम एक प्लेट ली है मैंने, उसके ऊपर मैं इसको निकालती रहूंगी। सो पराठा रेडी है, इसी तरह मैं बाकी पराठे भी बना लूंगी और फिर हम बनाते हैं चिकन उसके बाद। पराठे हमारे रेडी हैं और अब बनाएंगे चिकन, क्योंकि चिकन जो है मैरिनेट काफी देर से हुई हुई थी। यहाँ पर मैंने वही तवा लिया है, 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल इसमें डालेंगे। तो हम इसमें ऐड कर देंगे सारी चिकन, चलाते रहेंगे जब तक कुक करेंगे इसे, जब तक हमारी चिकन जो है वो फुली डन ना हो जाए। और ये चिकन जो है थोड़ा पानी भी शायद छोड़ेगी क्योंकि इसमें हमने योगर्ट वगैरह डाला था। इसको जब तक कुक करेंगे जब तक कि अगर इसमें कोई पानी या जो भी लिक्विड रिलीज होगा वो सब इवेपोरेट हो जाए और ये कुक चिकन अच्छी तरह कुक हो जाए। इसको कर देते हैं मीडियम पे। ये देखें हमारी चिकन जो है रेडी हो गई है, जो भी इसमें से लिक्विड वगैरह था सब ड्राई अप हो गया है। अब हमने चूल्हा बंद कर दिया है और हमारे पास है 6 पराठे, तो हमें 6 रोल बनाने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इक्वली सबको मिल जाए पोर्शन, इसलिए इसके 6 हिस्से कर देंगे। ये देखें ये 6 हिस्से बन गए इसके, अब हम इसको असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है पराठे, ये रेडी हैं। ये है हमारी गार्लिक मेयो की सॉस। चिकन हमारी ये है जिसके हमने 6 इक्वल हिस्से बना दिए हैं। फिर कुछ अनियन रिंग्स हैं और कुछ क्यूकम्बर की स्लाइसेस हैं जो मैंने ली हैं। ग्रीन चटनी है और इमली की चटनी है। अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक पार्चमेंट पेपर, उसके ऊपर हम रखेंगे अपना पराठा इस तरीके से और फिर इसके अंदर हम असेंबल करेंगे, चीजें डालना शुरू करेंगे। तो मैं 1 टेबलस्पून के करीब ये लूंगी, एक्चुअली 2 टेबलस्पून के करीब ये लूंगी सॉस जो थी गार्लिक मेयो सॉस। इस तरह इसको हम स्प्रेड कर देंगे पूरे पराठे में। फिर जो हमने चिकन थी वो इसमें हम डाल देंगे। चिकन डालने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी क्यूकुम्बर की स्लाइसेस स्ट्रिप्स जो हमने लेंथ वाइज कट किया था क्यूकुम्बर को वो रख देंगे, थोड़ा सा अनियन रख देंगे। पहले हरी चटनी डाल देंगे, फिर जो इमली की चटनी थी वो डाल देंगे और इसको हम रोल बनाना शुरू कर देंगे। इस तरह रोल बनाएंगे, ये इस तरह जाएगा पूरा रोल। जब आपका इस तरह हो जाए तो आप इसमें ये पेपर जो है बटर पेपर उससे आप इस तरह कर लें इसको फोल्ड, और नीचे का पार्ट जो है या तो आप उसको ट्विस्ट कर लें या तो इसको आप इस तरह करके फोल्ड कर लें। तो ये आपका जो है रोल जो है बिल्कुल तैयार हो गया है।
इसी तरह मैं बाकी बना लूंगी और फिर मैं आपको सारे एक साथ डिश आउट करके बताती हूँ। देख सकते हैं आप हमारी चिकन पराठा रोल बहुत ही गॉर्जियस लग रहे हैं, रेडी हैं, माउथ वाटरिंग लग रहे हैं। इनको देख के दिल चाह रहा है बस फौरन खा लें। ये देखें आप इनका क्लोजर लुक। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। डू गिव इट अ ट्राई। रमज़ान में अगर आप ये बना के खाएं तो बहुत ही अच्छा लगता है इफ्तार के वक्त, और वैसे भी अगर रमज़ान नहीं हो तो बहुत अच्छा स्नैक है, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा अपना फीडबैक। अंटिल नेक्स्ट टाइम एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।